नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक 17 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसका नाम लिखा हुआ है आईसोनी। तो इसका प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसका स्टैंड बाय लाइट यहाँ जलने का है। मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए, मैं पावर ऑन किया लेकिन कोई फंक्शन नहीं हुआ दोस्तों। ना स्टैंड बाय लाइट जला है, ना स्क्रीन पे भी लाइट है। तो हम लोग पहले ये प्रॉब्लम को चेक करने के लिए पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल ओपन हो गया है और इसका मदरबोर्ड ये है और RD8501.031 बोर्ड है। और यहाँ पे पावर सप्लाई अलग से लगाया गया है और बैकलाइट ड्राइवर भी। तो हम लोग वोल्टेज चेक कर लेंगे कि पावर सप्लाई से खराब है या क्या। तो मैंने पावर ऑन कर दिया हूँ लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिकेटर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो कि पहला 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे देखिए मीटर में 12.2 वोल्ट है। तो उसके बाद 5 वोल्ट चेक करेंगे जो कि 5 वोल्ट है और हमको चाहिए अभी 3.3 वोल्ट। ये 3.2 वोल्ट है। तो और एक वोल्ट चाहिए 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट नहीं है और यहाँ पे कॉम्बो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है और इसका इनपुट पिन है ये। इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है जो कि स्विचिंग होने के बाद आएगा। तो पहले हमको यहाँ पे 1.2 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो हम लोग पहले शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे क्या के लिए वोल्टेज नहीं है। तो हम लोग पहले 5 वोल्ट का शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है और 3.3 में भी शॉर्टिंग नहीं है और 1.2 वोल्ट को देखेंगे तो ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो हम लोग इसके लिए पहले कॉइल को रिमूव करेंगे और देखेंगे आईसी तरफ शॉर्ट है या कोई पीएफ शॉर्ट है। मैंने ब्लोअर को ऑन किया हूँ, ब्लोअर के साथ निकालेंगे। तो ब्लोअर हीट होने तक थोड़ा वेट करते हैं। तो हम लोग ब्लोअर से कॉइल को पहले निकाल लेंगे। अभी हम लोग फिर से चेक करेंगे शॉर्टिंग। इस साइड शॉर्टिंग नहीं है और इस साइड शॉर्टिंग है। तो हमको ये पहले पता करना पड़ेगा कि इस साइड कहाँ से आया है, या हमारा आईसी में गया है या फिर जो रेगुलेटर आईसी से निकला हुआ है।
जो कि हमारा आईसी तरफ से शॉर्ट बता रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे हमारा कौन सा पिन में। इधर शॉर्टिंग है, तो ये दोस्तों हमारा आईसी तरफ से शॉर्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आईसी तरफ से जो शॉर्ट है निकाला जा सकता है कि नहीं, नहीं तो फिर मेन प्रोसेसर खराब होगा। ठीक है, हम लोग पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों हम लोग बहुत कोशिश किए कि जितना भी पीएफ वगैरह था सब रिमूव करके देख लिए कि आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना पीएफ था, यहाँ पे भी पीएफ था, ये सब को रिमूव किए, लेकिन शॉर्टिंग प्रोसेसर आईसी से है तो इसलिए इसको और प्रोसेसर तो बदल नहीं पाएंगे, तो हमारे पास है भी नहीं, तो इसके लिए हमको इसमें दूसरा बोर्ड डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं दूसरा बोर्ड डालते समय आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये बोर्ड को निकाल देंगे और दूसरा बोर्ड डालेंगे, जो कि मेरे पास है दोस्तों ये बोर्ड। तो इसका बोर्ड नंबर है DST56U 11.2, देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो यही बोर्ड को हम लोग इसमें लगाएंगे दोस्तों। तो इसको कनेक्शन को निकाल लेंगे और बोर्ड का नट को मैं निकाल लिया हूँ, ये बोर्ड को यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कनेक्शन दे दिया हूँ। और बोर्ड डालने से पहले दोस्तों हमारा पैनल VCC को ध्यान देना पड़ेगा कि पैनल का VCC क्या है। तो हमारा पैनल 5 वोल्ट का है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट पे जम्पर में रखा हूँ, पैनल VCC 5 वोल्ट है। तो पहले हम लोग को चेक भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट जो कि रेड लाइट जल गया है, और मैं यहाँ स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टैंड बाय लाइट ग्रीन हो गया है, मतलब हमारा बोर्ड चालू हो गया है दोस्तों। तो अभी हम लोग पैनल VCC पहले चेक कर लेंगे, तो इसके लिए मीटर की जरूरत होगा, तो यहाँ पे मीटर रख लेंगे। और पैनल का VCC को चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पैनल VCC 5 वोल्ट है, तो हमारा जो पैनल VCC एक्यूरेट है दोस्तों,
तो अभी हम लोग पैनल को इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं पैनल लगा के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो टीवी था नया यूनिवर्सल बोर्ड फिटिंग हो गया है दोस्तों, और मैं आपको मेनू दबा के दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है, हमारा टीवी ओके हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।